अभी तक आरजीकर में हुई रेप और मर्डर का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और सनसनीखेज रेप का मामला 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ ये घटना हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि दरिंदगी की इस घटना का इल्जाम पड़ोसी पर लगा है। पड़ोसी का नाम संजय हलदार है। ये घटना न्यू टाउन के जात्रा गाची विवेकानंद पल्ली की है। लड़की के घर वालों का इल्जाम की बुनियाद पर न्यू टाउन थाने की पुलिस ने आरोपी संजय हलदार को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद से इलाके में जबरदस्त तनाव है। गुस्साई लोगों ने इस घटना के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोपी संजय हलदार के घर पर भी तोड़फोड़ की। सिर्फ यही नहीं, आम जनता ने न्यू टाउन थाने की पुलिस को घेर कर जमकर प्रदर्शन किया। पीड़ित लड़की की मां ने बताया कि हम लोग सुबह के वक्त काम पर चले जाते हैं, इस वक्त उनकी बेटी घर पर अकेली रहती है। इसी दौरान एक दिन पड़ोसी संजय हलदार घर में घुस आया और उसने उसकी बेटी की इज्जत लूट ली। इसके बाद उसने लड़की को धमकी दी कि अगर उसने उसके बारे में किसी को बताया तो वो इसके चेहरे पर एसिड मार देगा, जिसके चलते लड़की डर गई और उसने घर में किसी को अपने साथ हुए इस घटना के बारे में नहीं बताया। इस बीच लड़की की तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई, जहाँ मिली रिपोर्ट से उसे पता चला कि उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है। लड़की से पूछताछ करने पर उसने सारी कहानी अपनी माँ को बता दी। আমাদের অভিযোগ হলো আমার একটা মাত্র মেয়ে, আমরা ভোরবেলাতে বাড়ি থাকি না, আমরা যে যার মতন কাজে চলে যাই। আমার মেয়েটাকে একা পেয়ে একদিন ও ভোরবেলা এসে মুখটা চেপে ধরেছে, মুখটা চেপে ধরে ওর সঙ্গে একটা খারাপ ব্যবহার করেছে। আমরা এটা জানতে পেরেছি আজকে। ওকে থ্রেট দিয়েছে, ভয় দেখিয়েছে বারবার, ওকে অ্যাসিড দিয়ে মুখ পুড়িয়ে দেবে, আমাদেরকে মেরে ফেলবে। এটা যেদিন কারেক্টটা সেদিনকে তো করেছে, তারপরেও মাঝে মাঝে এসে ওকে এরকম থ্রেট দিয়ে গেছে। আজকে কিছু করেনি, আজকে তো আমি ওর রিপোর্ট ওকে ডাক্তার দেখা দেখিয়ে নিয়ে এসেছি। আজকে ওর রিপোর্টটা করাতে গিয়ে আমি জানতে পারলাম আজকে এই কেস। আজকে ওকে খুব করে জিজ্ঞাসা করাতে আজকে ও মানে ভয়টা কাটিয়ে আমাকে বলেছে, মা এই তবে হ্যাঁ, ও তখন থেকে আমাকে এটা বলেছে যে মা ওই কাকাকে আমাদের বাড়িতে আসতে বারণ করবে, ঘরে কেউ থাকে না, কাকা হুটহাট ঘরে চলে আসে, আমি কিন্তু কাকির কাছে বলে দেবো। ও আমাকে খুলে বলেনি বলেই আমি জানতে পারিনি জিনিসটা। বিচার চাইছি। সঞ্জয় হালদার পাড়াতেই থাকে, কি আমাদের সামনাসামনি থাকে প্রতিবেশী। তার বাচ্চা আছে।